के पढ़ा रखा फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुड मॉर्निंग, ये सुबह का ही टाइम है। तो मैं आज ये पर भर लेती हूँ पानी। यहाँ जैसे सुबह का नल चलने लगा है और मैंने अपना जो टिफिन वाला काम है वो कर दिया है। फ्रेंड्स आज है गुरुवार और मैं ये सुबह का जो काम कर रही हूँ, जो रूटीन में मेरे हमेशा ही रहता है, ये पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन और ये किचन का टिफिन बनाना। और फ्रेंड्स ये जो हमारे काम है ना, तो वैसे तो डेली के रहते हैं, कभी नहीं छूटते हैं, चाहे हमारे तीज त्यौहार हो या फिर व्रत हो या बीमार भी हो तो भी अगर है करने लायक तो कर देते हैं, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा ही मतलब तबीयत खराब होती है तो फिर नहीं करते हैं। और नहीं तो ये जो रूटीन है हमारा काम करने का वो हमेशा ही बना है। और फ्रेंड्स अभी आने वाली बेटी, तो कुछ दिनों के लिए मुझे तो आराम मिलेगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे खाना पीना वो बना लेती है। और तो फिलहाल अभी मैं जाऊँगी फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन जाऊँगी मैं अपने गाँव, तो वही उसी कारण फिर बेटी आएगी तो मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, तो वही मुझे मतलब दो तीन दिन का घूमना फिरना हो जाएगा और फिर उसके बाद आऊँगी। तो वो भी अभी एक हफ्ते तक रहेगी ही, क्योंकि मुझे भी उसने मतलब बताया है कि मम्मी मैं रहूँगी अभी, तो वही मैं भी निश्चिंत हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, और मेरा कल व्रत मतलब पूर्णिमा है, व्रत पूर्णिमा व्रत है, तो वही मेरा उपास है। तो आज ये फ्रेंड्स मैंने इतना ही वीडियो बनाया है, आंगन मतलब ये जो सुबह का रूटीन है। और फिर आप तो जानते हैं कि अंदर बिल्कुल पूरा अंधेला ही रहता है, तो मैं उतना अंधेले का वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना ये है जो आंगन धो लेती हूँ। और ये गाय है ना, तो मतलब मेरे यहाँ जैसे रोटी मैं देती रहती हूँ ना, तो ये गाय हमेशा मतलब यहाँ खड़ी ही आपको मिलेगी। मैं बाहर को उतना दिखाती नहीं हूँ, नहीं तो ये बाहर खड़ी ही रहती है, जब तक इसको रोटी ना दो तो ये जाती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये लगता है पानी प्यास इसको बहुत लगी थी तो अंदर आ रही थी, वैसे इसीलिए मैंने इसको पानी दे दिया है गाय को, तो पानी पी रही है। और मैं यही आंगन पूरा धुल दूंगी अंदर से बाहर। और ये पीछे वाला आंगन फ्रेंड्स, तो जब तक ये यहाँ का नल नहीं बंद होता है ना, तो यहाँ का जो पीछे का आंगन का पानी है वो नहीं सूखता है, क्योंकि जो पानी जैसे चलता है तो वो पूरा इसी में भरता है आंगन में ही, जैसे ओवर हो जाता है पानी, जो हमारे पूरे ड्रम के पानी अंदर पानी पूरा भर जाता है, तो पानी जैसे चलता ही रहता है थोड़ा बहुत, तो वही फिर आंगन में भरता है। जब ये बंद होता है तभी यहाँ का पानी फिर बहुरा जाता है तो फिर सूखता है। तो एक बार में इसको मतलब चला दूंगी तो ये साफ हो जाएगा यहाँ का जो कचरा है, और फिर पानी जो है एक्स्ट्रा तो फिर अपना रह जाएगा। और फ्रेंड्स जब ये गर्मी का सीजन होगा ना, तो यही पानी फिर पौधों के सींचने के काम आता है, और फिर कूलर में तो फिर तब पानी एक भी नहीं बचता है, तभी सब पानी मतलब उपयोग में आता है। अभी ठंडी का सीजन है ना, तो थोड़ा बहुत पानी मतलब वो हो जाता है। वैसा कनेक्शन अभी नहीं करवाएं फ्रेंड्स, जैसे कि बंद कर दें तो बंद हो जाए, अभी पाइप द्वारा ही मतलब प्लास्टिक का जो पाइप है रबड़ का वही लगा हुआ है, और बंद चालू करने वाला भी नहीं फिट करे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत बह जाता है पानी। तो चलिए फ्रेंड्स हम किचन की ये सफाई कर लेते हैं। और ये फ्रेंड्स ये दूसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि ये और मैंने देखी बड़ी सी रोटी बनाई थी, तो अफसोस कि आज मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज है व्रत, तो ये रोटी मैं गाय को दे दूंगी और नहीं तो फिर मैं दूसरे दिन खा लूंगी। तो दूसरे दिन मुझे जाना है, तो खाने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने किचन की जो साफ सफाई है वो कर लेते हैं। और फिर जो जैसे सुबह से फ्रेंड्स खाने का मन तो नहीं करता है, पर चाय पीने का बस करता है जैसे व्रत रहो तो, और इतने टाइम हमारे जैसे नॉर्मल दिन होते हैं तो हम लोग चाय पी लेते हैं या फिर कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं, तो खाने का तो नहीं पर नाश्ते का जरूर मतलब ये चाय का मन करता है चाय पीने का। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मूली लाए थे, तो ये दो बार की जैसे मूली हो गई थी ना, ये मतलब उसी दिन मेरा बेटा भी ले आया था और उसी दिन सुबह मेरे इनके पापा भी लेकर मतलब आ गए थे, तो वही दो दिन की मूली है। तो ये बहुत सारी ये भाजी हो गई है मूली की, तो वही बना दूंगी आज इनके लिए, तीनों मतलब इनके पापा दोनों बच्चों के लिए तो खा लेंगे दाल चावल के साथ, और आज इनके पापा का रेस्ट है तो इसलिए फ्रेंड्स
कि मतलब इसी की भाजी बना दूंगी और दाल चावल। और जैसे फ्रेंड्स कल मेरा व्रत है तो मुझे किचन की थोड़ी सी वैसी सफाई भी करनी होगी, साफ से, मतलब जो ये सामने के ये गैस के ऊपर के जो टाइल्स लगे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा साफ कर दूँ क्योंकि उसमें मसाले के सभी छींटे पड़े रहते हैं, तो उनको मैं साफ कर दूँगी और मैं किचन को यहाँ से सफाई पूरी कर देती हूँ। और अभी मुझे मतलब बर्तन भी धोना है और धोकर फिर मैं नहाऊँगी फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, और फिर वही जो नहा धोकर फिर मैं वैसा कुछ भी वैसा काम नहीं करती हूँ क्योंकि शाम को मुझे पूजा पाठ करना पड़ता है ना, तो फिर मैं न जूठा मतलब वो करती हूँ ना कुछ, फिर बच्चे जो खाते पीते हैं तो वही रख देते हैं, फिर उनको बाद में ही मैं धुलती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये ठंडी का सीज़न है और दोबारा नहाना शाम को बस के बाहर है, तो मैं इसी के डर से फिर जूठा नहीं छूती हूँ। फिर वही पूजा वूजा कर कर और फिर मैं अपना जो परहार करती हूँ, तो परहार तो मैंने आप बता रही हूँ कि मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे अपने लिए बनाना या फिर पूजा पाठ के बाद बनाना मुझे बहुत ही मतलब वो लगता है, हिम्मत नहीं होती बनाने की। तो फिर वही मैं तो इस बार मैंने एक नारियल ही खाया था, बस मैं सो गई थी। तो फ्रेंड्स मैं बच्चे के जो 26 जनवरी के जो ड्रेस है ना सफ़ेद मतलब सफ़ेद वाले, तो वही मैंने सब पूरा धो दिया है और पूरे मतलब सुखवा दिए हैं क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं 26 जनवरी के दिन, तो मेरे बच्चे सुबह से तैयार होकर चले जाएँगे, छोटा वाला। बड़े वाले तब बड़े हो गए हैं तो वो बस स्कूल ही जाते हैं प्रोग्राम देखने, या फिर बुलाते हैं जैसे जहाँ पढ़े हैं बचपन से, उनका जैसे बचपन शुरू की पढ़ाई हुई है। तो मैं बच्चे का अपना कपड़ा धो दी हूँ पूरा और फिर जाऊँगी फ्रेंड्स मतलब जैसे गांव से जाऊँगी तभी फिर पूरा धोऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये शाम का ही समय है और मैं ये पूजा पाठ है जो मैंने मतलब पूजा पाठ में कर लूँगी फ्रेंड्स। और सच कहूँ तो एक भी हिम्मत नहीं हो रही थी शाम को, और एक तो ये आंगन में रहता है मतलब पूजा करने का बाहर, और साल मतलब जैसे धूली नहीं रहती हैं तो मतलब जैसे एक दिन की भी पहनी हुई रहती हैं, जैसे हम कुछ भी खा पी लेते हैं तो लगता है जूठा ना लगे हो, तो इसलिए फिर मैं नहीं ओढ़ कर मतलब पूजा की थी, मैं वैसे ही मतलब बैठ गई थी, तो ठंडी भी लग रही थी फ्रेंड्स। और फिर पूजा मतलब बड़े आराम से हो गई और अच्छा भी लगा व्रत, मतलब जिस दिन व्रत रहो ना तो उस दिन बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है। चलिए फ्रेंड्स ये देखिए मेरी पूजा हो गई और मेरे जो पति देव हैं वो लगा रहे हैं जिसको हम लोग कुर्सी बोलते हैं, उसमें आग लगा रहे हैं हवन करने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे नहीं थे, एक बच्चा था बाजार गया था और एक बच्चा ट्यूशन। और ये खेत बाड़ी पहाड़ पेड़ पौधे गली देख के आप जान ही गए होंगे फ्रेंड्स कि मैं गांव पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप? आप तो जान ही गए होंगे कि मैं अपनी माँ के आ गई हूँ। देखिए जंगल पहाड़ पर्वत गांव का माहौल वातावरण ये सभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ न काम है न रोज़गार है और न ही सुविधाएँ हैं, न बिजली की न पानी की, और पढ़ाई की तो है मान लो जैसे तैसे, पर हो गए सिर्फ पढ़ाई न, ठीक से कोचिंग न ट्यूशन,
तो यहाँ की लाइफ फ्रेंड्स बहुत ही कठिन है, बहुत। जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता है ना ही कठिन यहाँ है। चलिए, हर चीज़ की यहाँ परेशानी है। खेत, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, ये कब तक आप देखेंगे? कुछ समय के बाद वो भी बोर लगने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब घर मिलती हूँ, घर में, क्योंकि हम सभी लोग हैं। ओके, बाय। कहाँ थिंकि हेलो बेसू, हेलो हनी, चलो ठीक। ओ बस करो भाई। हेलो फ्रेंड्स, ओ नमस्ते। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने घर आ चुकी हूँ। और ये देखिए सभी मेंबर मेरी, ये देखिए भाभी है, मेरी बड़ी भाभी है, और ये है सबसे छोटी वाली। और एक ये है, देखिए, और ये मेरी बहन की लड़की है, मेरी बेटी। चलिए, और मेरा सबसे प्यारा बेटा जिसको मैंने कभी कुछ नहीं दिया, भगवान। अरे बहुत हनी, नमस्ते। हाय दोस्तों, चलो। और ये मेरी माँ है, तो इन्हीं को देखने आई हूँ गांव तरफ, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चलती है ना, इसलिए देखती हूँ, आ जाती हूँ थोड़ा जल्दी से। और ये मेरी भतीजी है रिया, आप तो जानते हैं, रिया का डांस देखते हैं। और ये है गोवा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ बाद में। ओके, उनके पर हाथ रख लिया।